हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर और आपके लिए मैं एक बड़ी स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। और ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल इटली से लेके आया हूँ, इटली के गांव से। और ये गांव में मैं जब गया तो वहाँ पर मैं गया तो किसी और काम से था, वहाँ पर मैं पैंस देखने के लिए गया था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ पर वो पैंस बनते हैं, तो वो देखने के लिए गया था मैं। और उन्होंने मुझे खाना खिलाया एक घर के अंदर, और वो जो रेसिपी थी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो जो रेसिपी है जो सीज़न के एकदम फ्रेश मटर होते हैं उससे बनी हुई रेसिपी थी, तो आपको बताता हूँ कि ये कौन सी रेसिपी कैसे बनती है। चलिए इसकी तैयारी एकदम बस फटाफट शुरू कर देते हैं। और ये एकदम ट्रेडिशनल इटालियन गांव की रेसिपी आपके लिए। और ये जो है प्याज, थोड़े फ्रेश प्याज, जी हाँ, जो प्याज हैं ये चॉप कर लिए मैंने। और फिर ये जो प्याज हैं इसे मुझे काम करना है, ये मेरे पास में न्यूट्रलाइट, और ये जो न्यूट्रलाइट है इसके अंदर मैं पकाऊंगा। और ये जो न्यूट्रलाइट है ना भाई, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इतने सालों से लोग मक्खन में बना रहे थे, अब ज़माना बदल गया तो ये न्यूट्रलाइट में। और ये जो न्यूट्रलाइट है ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच, तो ये न्यूट्रलाइट ये ले लेते हैं हम। ये जो हमारे पास में प्याज, ये इसके अंदर डालते हैं, प्याज को पकाएंगे इसके अंदर। चलिए जब तक प्याज हल्का हल्का पकता है तब तक मैं मटर से मिलवाता हूँ आपको। ये देखिए ये सीजनल ताज़े मटर, ये देखिए ताज़े मटर। और ये मैंने डाले हैं, ये मटर को मैंने ये डाल दिया इस चॉपर के अंदर। बस ये जो मटर हैं ये देखिए थोड़े से क्रश करने थे मुझे और वो कर लिया मैंने। ये जो मटर के दाने हैं ये देखिए, ये जो मटर हल्के से क्रश हो गए। और फिर हाँ ये प्याज जो हैं ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हमारे। अब इसके अंदर गार्लिक, तो ये गार्लिक भी आ गया। अच्छा ये जो रेसिपी है ये मैं मटर से क्या बना रहा हूँ, एक्चुअली मटर से रिसोटो बना रहा हूँ। रिसोटो चावल की रेसिपी, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि चावल भी चाहिए मुझे। तो ये चावल जो है मेरे पास ये इटालियन चावल, और ये जो रिसोटो वाले चावल होते हैं ना ये अलग अलग 2-3 तरह की वैरायटी होती हैं। ज़्यादा कॉमन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर अर्बोरियो मिलते हैं, कार्नोली मिलते हैं, और भी 2-3 तरह की वैरायटी होती है। तो ये जो है राइस, ये देखिए ये राइस ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। जो रिसोटो राइस होता है थोड़ा मोटा राइस होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है। हार्ड का मतलब कि इसमें काफ़ी पानी डलने के बाद भी इसकी जो शेप रहती है वो टूटती नहीं है, तो ये खासियत होती है इस राइस की। तो ये राइस हमने ले लिया और इसको इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वैसे ट्रेडिशनली जब रिसोटो बताते हैं इटली के अंदर तो उसमें थोड़ा वाइट वाइन भी डाल लेते हैं, पर यहाँ पर बिना वाइन के प्योर वेजिटेरियन मटर के साथ में ये बन रहा है। ये चावल जो हैं ये हल्के से सौते किए हमने, और उसके साथ साथ ये मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक, थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक। ये इसके अंदर डाला और इसे कर दिया मिक्स, थोड़ी देर तक पकने देते हैं। ये जो रिसोटो बनता है उसमें एक खासियत ये होती है कि जैसे जैसे चावल पकता जाता है और पानी इसका उड़ता जाएगा, जो स्टॉक है उड़ता जाएगा, आप इसके अंदर बाकी जो स्टॉक है वो डालते रहें,
और इसको पकाते रहें और वो साथ साथ पकता रहेगा। अब ये काफ़ी चावल पक रहा है तो ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये फ्रेश मटर, क्योंकि ये भी पकने चाहिए। नाइस। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो मटर है वो थोड़ा सा क्रश किया हमने, थोड़े पीसेस होल हैं, बाकी जब तक ये चावल पकेंगे ये मटर भी पक जाएंगे। अच्छा, मटर को पहले से क्यों नहीं डाला? पहले से इसलिए नहीं डाला क्योंकि चावल का जो पकने का समय है वो कई ज़्यादा है, ज़्यादा देर लगती है उसको पकने में, और मटर को कम देर लगती है। तो मटर अब थोड़ी सी देर में पक जाएंगे, उतनी देर में चावल भी पक जाएंगे, तो दोनों का जो समय है अब बराबर हो जाएगा, दोनों साथ में पकेंगे। अगर पहले से कर देते तो मटर ओवर कुक हो जाते, उसका रंग जो है और ख़राब हो जाता, तो इसलिए इस तरह से ये दोनों एकदम परफेक्ट कुकिंग होगी। इसमें हम डालते हैं नमक, सॉल्ट थोड़ा सा कम रखेंगे अभी हम, मैं बताऊँगा क्यों कम रख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये मटर में थोड़ा सा फ्लेवर मिंट का, ये थोड़ी सी मिंट की लीव्स, और बिना तोड़े बिना काटे बिना कुछ किए इसके अंदर, सो दैट जो फ्लेवर भी इसका आए और ये जो है इस तरह से मिंट की एकदम खुशबू आनी शुरू हो गई। अब ये देखिए इसमें जो चावल है, पानी उसने कितना ज़्यादा सोख लिया, जो स्टॉक हमने इसके अंदर डाला है, और ये चावल अभी भी इसका जो ग्रेन है वो पूरा का पूरा दिख रहा है। इसकी जो बाइट है वो भी वैसी रहेगी, जैसे पास्ता जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं ऑल दांते, उसकी जो बाइट है वो एकदम फर्म बाइट होती है, ऐसे ही रिसोटो में भी ऐसे हलवा नहीं हो जाता है चावल, चावल जो है उसकी बाइट रहती है। और इसमें कितना हमने स्टॉक डाला है लेकिन फिर भी ये एकदम बाइट इसकी बढ़िया रहेगी। मटर जो है वो भी ऑलमोस्ट पक गए हैं, एक काम करते हैं ज़रा इसको चेक करते हैं। मटर के साथ में दोनों की जो बाइट है एकदम मैच कर रही है, मटर भी पूरी तरह से पके हुए हैं, चावल भी पके हुए हैं, दोनों में अब हल्का सा जिसको कहते हैं स्लाइटली अंडरडन फील है, बट कच्चे नहीं है, वो बाइट है, वही इसका मज़ा है। अब इसको काफ़ी रिच बनाया जा सकता है, जो मैंने खाया था इटली के अंदर उसके अंदर ढेर सारा चीज़ भी था, उसके साथ में क्रीम भी थी, तो बहुत बहुत हैवी था। मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास है ये न्यूट्रलाइट मेयो चीज़ी गार्लिक, तो ये डाल के इससे मैं इसको फिनिश करूँगा। तो ये जो है अभी इसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, मुझे चेक कर लेता हूँ। हाँ नाइस, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, जब आप इसको पकड़ते हैं, ये चम्मच से इसको पकड़ा, सो लुक एट दिस, दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट। और इसको अब हम बंद कर देते हैं, और ये जो मेरे पास में चीज़ी गार्लिक मेयो है ये इसके अंदर डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। चीज़ की बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो गई, हल्का गार्लिक और बढ़ गया, एंड इट्स लुकिंग नाइस चीज़ी ब्यूटीफुल, एकदम रिसोटो की जो शक्ल है वही एकदम बदल गई है। ये बस इसको सर्व करने के लिए गर्मा गर्म, नाइस, दैट्स इट, जस्ट अ हिंट ऑफ मिंट, नॉट टू मच, तो मिंट जो है जस्ट लिटिल बिट ऑफ मिंट एंड दैट्स इट, अब इसके बाद में और कुछ नहीं चाहिए।
भाई आपको ये रेसिपी इतनी आसानी से यहाँ पे मिल गई, मैं गया इडली सीखने के लिए, आपको मिल गई यहाँ पे एकदम फ्री।